माई ब्यूटीफुल पीपल बहुत सारा वेलकम आप सभी लोगों को ट्रिपल वन टैर चैनल के ऊपर और अगर आप लोग आज नए आए हैं तो वेलकम यू ऑल गाइज जहाँ पर हम लोग इतनी सारी पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं तो और अगर, अगर आप लोग दोबारा आए हैं चैनल पे तो आप लोगों का और भी बहुत सारा वेलकम गाइज और शुरू करते हैं आज की रेडिंग आज हम लोग ना करेंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करने वाले हैं बेसिकली और हमारे पास है यहाँ पे आज दो कार्ड ब्यूटिफुल से ये है हमारे पास लवर्स का कार्ड पाइल नंबर वन एंड सेकेंड कार्ड है हमारे पास ये थ्री ऑफ कप्स ठीक है दिस इज द पाइल नंबर वन दिस इज पाइल नंबर टू अगर आप लोगों को ए, आप पॉज करके एक बार देख सकते हो आपको जो कार्ड बहुत ज़्यादा फेजनेटेट करे आपको उसी को चूज करना है ठीक है जी तो मैंने कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हुए हैं विद द एंजेलिक मैसेजेस और हम लोग ना चैनल मैसेजेस भी देखेंगे ठीक है चैनल मैसेजेस भी देखेंगे उनके लेटर्स भी देखेंगे और कुछ ब्यूटीफुल से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट मूव एंड ऑल सब कुछ अच्छे से डिटेल रीडिंग करने वाले हैं तो शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से जिन्होंने लवर्स चूज करा है और बाकी इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ जिन लोगों ने पाइल नंबर टू को चूज करा है ठीक है <coughs> हाई माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन तो जिन लोगों ने ये ब्यूटिफुल सा लवर्स का कार्ड चूज करा था चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रीडिंग और मन में आप लोग अपने ना प्रेयर जरूर की करा करें जब भी रीडिंग्स देखें प्रेयर जरूर करें अपने लिए लाइक अपने लिए प्रेयर एक बार जरूर करें ठीक है ये आपके मैसेजेस है गाइडेंस है ये हम बाद में चेक इन करते हैं तो चलिए पहले कार्ड देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या क्या आया है वी हैव अबेंडेंस ठीक है वी हैव अबेंडेंस फिर आया है हमारे पास यहाँ पे द हर्मिट और फिर आया है हमारे पास यहाँ पे द एम्प्रेस ठीक है सो so, ऐसा हो सकता है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन टॉरस हो ठीक है फिर वो कैप्रिकॉन हो टॉरस हो ठीक है जी या फिर या वेजिटेरियस हो फिर हमारे पास क्या है हमारे पास है स्टार कार्ड एक्वेरियस ठीक है हो सकता है आप लोग एक्वेरियस हो आप आपके पर्सन अगेन एरीज लियो एजटेरियस और एक चीज अगर आप लोग देख रहे हो एम्पर और फिर हमारे पास है? ये सेक्शुअल टेरोडेक है फिर है हमारे पास फोर ऑफ कप्स एंड देन वी हैव स्टार कार्ड ओके okay, स्टार टू टाइम्स आया है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट डेक हो सकता है एक्वेरियस एक्वेरियस का कपल हो आप लोगों का ठीक है या फिर ऐसा भी देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं ना उनके ऊपर भी खासा ध्यान देने की कोशिश करें जैसे कि यहाँ पे फोर दे रखा है यहाँ पे सेवनटीन है सेवन प्लस वन यानी कि एट हो गया ठीक है और एट का हाफ कितना हो गया फोर हो सकता है आप लोगों को फोर 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 बहुत ज्यादा दिख रहा हो या फिर जो है आपको एंजलिक गाइडेंस बहुत सारा दिख रहा हो ठीक है तो ये जो सेक्शुअल टेरोडिक के काज है ये हम बाद में चेक इन करेंगे तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ ठीक है गाइडेंस के साथ ओके सो so बेसिकली जो चीज़ फर्स्ट मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन है इस रिलेशन को लेकर के काफी ज्यादा कन्फ्यूज ठीक है क्यों है कंफ्यूज हो सकता है एक तो उनकी मदर ठीक है या तो एक तरफ उनकी मदर और एक तरफ आप हो या फिर एक तरफ उनकी फैमिली एक तरफ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ आप हो और ये पर्सन ना दो सिनेरियोस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है टोटली कंफ्यूजन चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं इस चीज का मैं कभी आगे चल करके हल निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा या फिर अगर मैं हल नहीं निकाल पाता हूं तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी जो चीजें हैं मेरा जो प्यार है वो धरा का धरा रह जाए लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पे और फिर सारे कार्ड भी इस तरीके के आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलबेट कनेक्शन के अंदर है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर भी हो सकते हैं अगर अभी मैं करंट इसकी फीलिंग्स बताऊं मैं नहीं बताऊं कि क्या हो चला था या क्या होगा तो मैं अगर करंट पे फोकस करूं जो वीडियो का टॉपिक है आज तो उसके हिसाब से तो गाइज यही है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू सम काइंड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स ठीक है लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है हालांकि इस पर्सन के मन में एक तरीके की होप है स्टार का कार्ड है यहाँ पे सो तो इस पर्सन के मन में एक तरीके की होप है बट द थिंग इज कि सिंपल तरीके से एम्पर बन के बैठा हुआ है एकदम मतलब कहते हैं ना कि बूढ़ो बाबा बन के बैठा हुआ है <laughs> बूढ़ो बाबा इन सेंस की एकदम मतलब गुस्सा करके बैठा हुआ है कि होएगा तो देखा जाएगा मुझे नहीं पता और मैं अभी बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ एक ये पर्सन अपने अबेंडेंस पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है ठीक है ये पर्सन अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं काफी ज्यादा फोकस करें देस वाई ऑल्सो ये पर्सन कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहा है अभी ठीक है दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन के दिमाग में ना शांति की बहुत ज्यादा कमी है अब आप बोलोगे शांति इन सेंस शांति इन सेंस सुकून एक तरीके का इनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है ठीक है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए मेरे लिए आगे क्या सही रहेगा कौन क्या, रहेगा कौन क्या रहेगा कौन क्या नहीं रहेगा वो भी इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है लाइक आप कह सकते हो हद वाली कंडीशन में चल रहा है ये सब भी ठीक है तो इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है यानी कि हर तरफ से ना इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ जाऊँगा तो भी शांति नहीं है वहाँ जाऊँगा तो भी शांति नहीं है बस परेशान सा है अपने उन्हीं सारी चीज़ों के अंदर बैठा हुआ है ठीक है अच्छा आपको लेकर के ये पर्सन सोचता है कि अगर कोई मुझे समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो समझ सकती है उसी के साथ ही मेरी जिंदगी आगे बढ़ सकती है ठीक है वही एक इकलौती ऐसी लड़की है या वही इकलौते ऐसे लड़के जिनके साथ अगर मेरी शादी होती है तो मेरी जिंदगी में बाहार होगी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो है आपका लक भी समझते हैं अपना लक भी समझते हैं कहते हैं ना कई लोग होते हैं लेडी लक है मेरा लक है जब से ये बंदा आया मेरी जिंदगी में जब से ये बंदी आई मेरी जिंदगी में तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पर लग रही हैं विद दिस टू ऑफ स्टार कार्ड दो दो स्टार कार्ड आए डिफरेंट डिफरेंट डेक्स से तो वो चीज़ें हैं तो इस पर्सन के दिमाग में है कि यार जब से उसका साथ मेरी जिंदगी से गया है ना सब कुछ खराब सा हो गया है बट स्टिल ये पर्सन अपनी मजबूरियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठे हुए हैं हर के एनर्जीज में बैठे हुए हैं शांत बैठे हुए हैं एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं कि होगा सो देखा जाएगा अच्छा होगा तो मैं अपना लूंगा खुश होकर के बुरा होगा तो मैं छोड़ दूंगा ठीक है ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में काफी ज्यादा पजल्ड है बहुत बुरी तरीके से पजल्ड है ये पर्सन ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपस पे काम कर रहे हैं और किसी चीज पे काम नहीं कर रहे हैं चलिए आप थोड़े सेक्शुअल डेक देख लेते हैं हमारे पास है नाइन ऑफ सोच एंड टेन ऑफ सोच सोच कहास ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी आ गई है भारी मात्रा में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है और ये डेफिशिएंसी कभी सही नहीं हो सकती देख रहे हो आप किस तरीके से ये बैठी हुई है यहाँ पे ठीक है इस पर्सन को हो सकता है ये भी लगता हो कि इनके इस रवैये से इस बिगड़े बेकार गंदे रवैये से ना आप इनको छोड़ करके ना कहीं चले जाओगे और आप किसी और के साथ ही अच्छे से रहना शुरू कर दोगे इनको ये भी लगता है और तो और एक चीज और मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर रहा है ठीक है मुझे ये एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है एक्चुअली ये देखने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में कोई न्यू पार्टनर तो नहीं आ गया ठीक है जी हमारे पास यहां पे नाइन ऑफ सोड्स का कार्ड, देन डेफिनेटली इनके मन में आपको लेकर के बहुत ज्यादा वाली सेक्सुअल फीलिंग्स से, है बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स से, है बट द थिंग इज इनके दिमाग में है कि कोई बात नहीं जो है समय आएगा तो हो जाएगा नहीं होगा तो इट्स ओके okay. ये पर्सन आपको रात को लेकर के नाइट ड्रीमिंग भी करते हैं सेक्सुअल थॉट्स की नाइट ड्रीमिंग भी करते हैं ये पर्सन मुझे ये फीलिंग भी आ रही है सो so वो वो चीज़ें हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लेकिन ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हालत में चल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हालत में चल रहे हैं होने को तो आप लोग एक तरीके से एकदम लॉयल ट्रस्ट कपल्स की तरह हैं लेकिन अभी आप लोग सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो और ये बहुत गलत बात है ठीक है चलिए कुछ एंजलिक गाइडेंस देख लेते हैं एंजलिक गाइडेंस यहाँ पे हमारे पास इम्प्रूविंग योर हेल्थ तो वो चीज मैंने आपको बोली कि आप भी अभी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हो हर वक्त रोते रहते हो ठीक है फिर हमारे पास यस तो थोड़ा सा सब्र करो ये पर्सन आपके पास आएगा एक अच्छा ऑफर लेकर आएगा लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चलो हम ना देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन कब तक आ सकता है ठीक है कि ये पर्सन कब तक नेक्स्ट मूव ले सकता है सी टावर का कार्ड है भाई अभी तो ठीक <laughs> है तो यानी कि थोड़ा सा आपको ना अपनी एनर्जीज को अभी क्या करने की कोशिश करनी है आपने अपनी एनर्जीज को जो ये इतनी बिखर गई है ना बुरी तरीके से उन थोड़ी एनर्जीज को कलेक्ट करना है पॉजिटिव रहना है अपने इम्प्रूव करनी है एनर्जीज क्योंकि अगर आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपने अपनी एनर्जीज को अच्छे से ही क्रिएट करना है आपने अपनी एनर्जीज को क्लियर ही करना है ठीक है एक कार्ड कार्ड प्लीज एक कार सी मैंने कहा था ना ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहा है कहीं ना कहीं पेज ऑफ का कार्ड है यहां पे तो अभी तो इसका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक ही करता रहेगा आपको ठीक है इसी तरीके से देखता ही रहेगा कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है आप खुश हो अपनी जिंदगी में आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया जिसके साथ आप हैप्पी हो तो यही चलता रहेगा अभी तो आपको अपनी एनर्जीज को बदलने की कोशिश करनी चाहिए हो सकता है आप अपने ना तो करियर पर फोकस कर रहे हो ना किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस करो अपनी चीजों पर फोकस करो ठीक है हम एक लेटर भी ले लेते हैं सी यस 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 बहुत सारा वाला यस लॉट्स ऑफ लव टू यू प्लीज रीड माई माइंड तो ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि येस डेफिनेटली दे रियली लव यू अ लॉट लेकिन आप प्लीज़ इनका जो है दिल एक बार इनका दिल दिमाग पढ़ने की कोशिश करो जैसे आप पहले क्या करते थे आप पहले समझ जाते थे इनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपके लिए ठीक है तो वो करने की प्लीज एक बार फिर से कोशिश करो ये वाला आई वॉन्ट टू डेट यू येस इट्स पास लाइफ कनेक्शन तो इनको ऐसा लगता है कि एक तरीके का पास लाइफ कनेक्शन है आपके साथ ठीक है और ये पर्सन आपको डेट भी करना चाहते हैं बट अभी ये पर्सन क्या है मजबूर है कहीं ना कहीं ओके हाई ब्यूटिफुल आई थिंक इट्स टाइम टू टेल यू प्लीज मैरी मी सो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज आप इनसे शादी कर लो बट थोड़ा सा समय रुको अपनी एनर्जीज को Clear. क्लियर करो मोर ओवर जितना हो सके उतना अपने आप से प्यार करो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने क्या करना अपने करियर पे ध्यान देना है अगर ये कार्ड ना एक एक चीज ये भी बताता है कि हो सकता है जब आप अपने आप को एकदम हील कर लोगे ना तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं ठीक है समझ रहे हो ना सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग आई होप यू विल लाइक इट इफ यस देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप टू दिस दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लव यू अलॉट आप सभी लोगों को इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं लव यू बहुत बहुत सारा बाय हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर टू कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर के एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड है थ्री ऑफ कप्स कार्ड सो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा सेलिब्रेशन कार्ड चूज़ करा था चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के डिंग सो so, ये कार्ड मैं ना यहां रख देती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखे इन गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लिए प्रेयर जरूर करें ठीक so, for... wow, so, है चलिए सो वाओ ब्यूटिफुल सो फर्स्ट कहानी हमारे पास कमिटमेंट का कार्ड आ गया इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल फिर है हमारे पास यहाँ पे एम्पर एरीज लियो देन क्या है हमारे पास हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड ब्यूटीफुल गुड पाइल नंबर टू आपकी जो भी परेशानियां चल रही है ना वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है ठीक है जी सिक्स ऑफ कप्स ब्यूटिफुल अगेन फिर हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेज एरीज लियो वेजिटेरियंस ये दो कार्ड ना सेक्शुअल टैरो डेक के हैं तो ये हम एंजलिक मैसेजेस के साथ में बाद में देखेंगे ठीक है यहाँ रख देती हूँ इनको मैं थोड़ा सा यहाँ सरका देती हूँ ओके फिर है हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ सोस एंड देन वी हैव टू ऑफ फेनिकल्स ठीक है जी जेमना लिब्रा एक्वेरियस और सुर्गो कैप्रिकॉर्न तो ओवरऑल अगर देखें तो सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं ठीक है जी अच्छा अगर अब हम देखें यहाँ पे कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं <laughs> पहली चीज तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने सेलिब्रेशन ही इसलिए चूज करा है क्योंकि इस डेक के अंदर इस स्प्रेड के अंदर इस पाइल के अंदर आपको डेफिनेटली सेलिब्रेशन ही महसूस होने वाला है लाइक like जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को इस पर्सन का साथ इस पर्सन का यूनियन इस पर्सन को आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो और फाइनली ये पर्सन अपने सोच विचार और ये कंफ्यूजन वाला जो एक क्रिटिकल फेज चल रहा था इनकी जिंदगी में इन सब चीजों से निकल करके बाहर ये पर्सन अपने सारे कार्मिकों से अपनी सारी नेगेटिविटी से निकल करके बाहर आपके पास आने वाले हैं ये पर्सन काफी ज्यादा एम्पर की तरह एक्ट किया आ, कर रहे थे एम्पर इंसेंस एकदम चिड़चिड़े से और गुस्से वाले से और मुझे तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी मैं मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में एंड ऑल तो ये इस तरीके से किया करते थे ये इस तरीके से नेगेटिवली मतलब काफी ज्यादा आपको ना प्रेशराइज कर रहे थे कि आप चले जाओ इनकी जिंदगी से और ये कर लो वो कर लो और आपने पता है क्या किया हो सकता है इस पर्सन ने आपने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो तो इस ब्लॉकिंग गेम के चक्कर में भी ना इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट आया कि शायद चली गई है वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक तो नहीं किया है बट अब मैसेजेस नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले मिनट मिनट में उनको मैसेजेस कर देते थे उनके इतना मना करने के बावजूद भी अब आप नहीं कर रहे हो तो उनके दिमाग में ना एक तरीके की खलबली बची हुई है खलबली इन सेंस कि एक तरीके का ओवर पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं थ्री ओ बॉन्स के कार्ड की तरफ से कि यार कहाँ चले गई ठीक तो है ना उसके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए जैसे कि आप सोचते हो ना उनके लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए क्या है क्या नहीं है वैसे ही इनके भी दिमाग में चल रहा है आपके लिए कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो हाल फिलहाल आप इनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो आप इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो और इन्हीं सब चीजों के भवर में बंदा फंसा हुआ है बहुत फंसा हुआ है ठीक है इस पर्सन को ना कहीं से यह चीज़ अंदर से रियलाइज हुई है या फिर ऐसा हो सकता है कि एंजल्स ने यह चीज़ रियलाइज करवाई है इस पर्सन को कि ये एक तरीके का सोलमेट कनेक्शन है ठीक है ये एक तरीके का ब्यूटीफुल सा सोलमेट कनेक्शन है जो कि अनब्रेकेबल है कभी भी टूट नहीं सकता है हाँ दरार आ सकती है कोई सेपरेशन आ सकता है कुछ बीच में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कभी भी लाइक कभी भी अगर मैं बोलूँ ना तो वो नहीं हो सकता है जो ये इस पर्सन ने कभी कल्पना करी थी कि ये मेरी जिंदगी से चली जाएगी ये खुश रह पाएगी फिर क्योंकि ये पर्सन अपने किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है ठीक है अब ये कार्मिक पर्सन नार्किस्टिक पर्सन इसके घरवाले भी हो सकते हैं या कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं ठीक है ठेके? तो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन से ये पर्सन डील कर रहा था बट फाइनली ये पर्सन जो है आपने और अपने इन कार्मिक लोगों में ना एक तरीके की आ, वो बनाना शुरू कर चुका है क्या कहते हैं उसको एक तरीके की साठ गांठ सी बनाना शुरू कर चुका है एक तरीके का भेद सा बनाना क्रिटिकल सा एक आ, डिफ्रेंस बनाना शुरू कर चुका है ठीक है तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही हैं सो so, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन ना इतना हद सोचने लग गया ना आपके बारे में कि ये पर्सन आपको क्या देना चाहता है कमिटमेंट देना चाहता है कमिटमेंट का भी कार्ड है हमारे पास प्रपोजल देना चाहता है ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है खुश रहना चाहता है अच्छे से रहना चाहता है इसके दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता है कि मैं जाऊं उससे बात करूं उसको कम्युनिकेट करूं उससे पूछूं कि आखिरकार उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है वो मुझसे आज भी प्यार करती है नहीं करती कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और पर्सन के साथ घूम रही है फिर रही है या फिर वो मूव ऑन कर गई है सो so, हमारे पास है यहाँ पे अबेंडेंस एंड हमारे पास है यहाँ पे सक्सेस सो फॉर श्योर अगर आप लोगों ने अपने ना अबेंडेंस पे अपने करियर पे अपने सक्सेस के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया था आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया था टोटली तो येस फॉर यू ऑल गाइज येस जो लोग अपने सिर्फ और सिर्फ करियर पर फोकस कर रहे थे लव लाइफ को छोड़ करके उन लोगों के लिए बहुत बिग ये ऐसा है कि अब उनकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा उनके पार्टनर की तरफ से ठीक है फिर हमारे पास यहाँ पे लवर्स ब्यूटिफुल लवर्स कार्ड एंड नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड सो so, ये पर्सन ना देखो मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं दो सिचुएशंस में फंसा हुआ है तो वो चीज़ ही है यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे तो ये पर्सन जिस भी कंडीशन में फंसा हुआ था उनसे बाहर निकल करके ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है और नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है तो थोड़ा सा हो सकता है डिले से आए डिले इन सेंस थोड़ा सा धीरे 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 करके आए लेकिन ये पर्सन आपके पास जरूर से जरूर आएगा ही आएगा ठीक है सेंट परसेंट बातें ये ये डेफिनेटली पर्सन आएगा ही आएगा ओके चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं और कब तक होने वाले हैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया बट स्टिल हम कार्ड्स निकाल लेते हैं नेक्स्ट मूव कब तक होगा प्लीज एंजर्स बताएं प्लीज एंजर्स बताएं नेक्स्ट मूव बहुत सारे कार्ड्स निकल गए इतने सारे नहीं चाहिए ज्यादा <laughs> से ज्यादा एक या दो हो सकता है पायल नंबर टू को काफी लोगों ने चूज किया है जजमेंट ओके okay, और एक ये कार्ड भी देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्स एंड जजमेंट कार्ड अगर आप लोग अभी भी नेगेटिव रहते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने पॉजिटिव हो जाने के बाद भी अगर आप डाउट क्रिएट करते हो तो ये बंदा ना नाइन डेज और नाइन वीक्स लगा सकता है आने में जो कि मैंने बोला था समय लगा देगा और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है आप जैसी एनर्जीज क्रिएट करोगे ये पर्सन उतनी ही स्पीडली आएगा हो सकता है ये पर्सन आगे आने आने आ, आगे आने वाले नौ दिनों में आ जाए आगे आने वाले टू थ्री डेज में आ जाए या टू थ्री मंथ्स लगा दे ओके okay, समझ रहे हो ना तो वो चीज़ें हैं जजमेंट का कार्ड इज लाइक जितना जि, जितना मीठा उतना जितना शुगर डालोगे उतना मीठा ऐड होगा ठीक है तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे सो फॉर श्योर आने के पूरे चांसेस है और समय लगाएगा इस का यही होने वाला है इस का यही होने वाला है कि आपको कॉल मैसेज कुछ भी करने की तो कोशिश करेगा फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड फॉर श्योर आपको क्या रहना चाहिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपने थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करना है ठीक है चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन सिनारीयो सीरियसली वो न डाय लाइक रियली आई एम डिसअपॉइंटेड तो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी और यहाँ पर भी आया था हमारे पास थर्ड पार्टी सिनारियो अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है ठीक है समझ रहे हो ना सो ये पर्सन ना इस थर्ड पार्टी वाले सिनारियो से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और ये पर्सन चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अब टाइम स्पेंड करे देख रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करे और किसी के साथ कहीं इधर उधर ना जाए इनके दिमाग में यही थॉट चलता रहता है प्लीज डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर अबाउट मी आई नो आई कैन रीड योर माइंड ब्यूटिफुल तो ये चीज मैंने आपको बोली थी कि इनके दिमाग में ना अंदर से चल रहा है कि यार क्या हो गया है इसको ये मेरे को कॉल मैसेज नहीं कर रही है कर रहा है पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये किसी और के साथ चली गई है तो ये कहीं ना कहीं आपको कहने की कोशिश करें कि प्लीज आप डोंट प्रिटेंड मत करो आप ये दिखाने की कोशिश मत करो कि आपको कोई परवाह नहीं है आप खुश हो मेरे बिना मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ ठीक है येस नाउ इट्स आर टाइम आई एम प्रिपेयरिंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल सरप्राइज बेबी ट्रस्ट मी एन बैक ब्यूटीफुल आई एम वेरी हैप्पी जब इस तरीके के ब्यूटीफुल से कहा जाते हैं ना इतने इतने प्यारे प्यारे से कहा जाते हैं ना मेरे को इतनी खुशी होती है आप लोगों के लिए मैं बता नहीं सकती मैं बया नहीं कर सकती सो so, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि टेंशन नहीं लो आई एम बैक एंड आई विल बी बैक फॉर श्योर ठीक है क्यों क्योंकि अब ये समय है आपको सरप्राइज़ देने का और मैं आ गया हूँ तो दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल थिंग तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए तो आपके बाद जब ये पर्सन आएगा तो आपको फॉर श्योर क्या देगा ये कमिटमेंट देगा या फिर कुछ आपको शादी का प्रपोज करने की कोशिश करेगा सो दिस इज ऑल अबाउट डेज रीडिंग आई होप यू विल लाइक इट इफ यस देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर अप्रिसिएशन एंड योर चॉइस योर रिक्वेस्टेस एंड अपना अपना ध्यान रखें वीडियो को बहुत सारा लाइक करें और इसी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं बहुत सारा प्यार प्य